आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी ने गाजीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। गाजीपुर पहुंचकर अपर पुलिस महानिदेशक पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र वाराणसी ने शनिवार को गाजीपुर का वार्षिक निरीक्षण किया। सर्वप्रथम पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली गई तथा ग्राउंड में पुलिस बल के द्वारा बलवा दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास किया गया। उसके बाद पुलिस लाइन के विभिन्न इकाइयों में से यूपी 112 कंप्यूटर परिवहन शाखा, जिला कंट्रोल रूम, कक्ष, बैरक, शस्त्रागार इत्यादि को चेक किया। इसके उपरांत सैनिक सम्मेलन कर पुलिस बल की समस्याओं को सुना तथा निस्तारण हेतु संबंधित को निर्देशित भी किया। इसके साथ सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। साथ ही सैनिक सम्मेलन जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ अपराध गोष्ठी कर आगामी त्योहार होली और पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके साथ ही थाना बरनों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, रजिस्टर्स का रखरखाव, CCTNS, महिला हेल्प डेस्क कार्यालय, मैस, बैरक इत्यादि का निरीक्षण किया और ग्राम चौकीदारों के साथ पंचायत चुनाव से संबंधित सूचना ली। सलीम मंसूरी, ब्यूरो चीफ, गाजीपुर की रिपोर्ट। वार्षिक निरीक्षण किया गया, साफ सफाई यहाँ पर संतोषजनक है। इसके अतिरिक्त मैंने जो नए भवन यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं, जो बैरक बन रही है, उसका भी अवलोकन किया और निर्देशित किया कि इस पर विशेष दृष्टि रखी जाए कि सही तरीके से मैप के आधार पर और गुणवत्ता से सारे कार्य कराए जाए। रजिस्टरों के अवलोकन में देखा उनका रखरखाव थोड़ा सा असंतोषजनक है, पन्ने फटे हुए हैं और प्रॉपर तरीके से नहीं है, और मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इनको शीघ्र ही इनको ठीक से किया जाए। मुख्य रूप से जो हमारा अभी प्राइम कंसर्न है वो आने वाले प्रधानी के चुनाव हैं। मेरे द्वारा उसके रजिस्टर का अवलोकन किया गया, उसमें पुलिस द्वारा उनका भ्रमण किया गया, लेकिन अभी प्रविष्टियां अपूर्ण हैं। मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि इन प्रविष्टियों को तत्काल पूर्ण किया जाए और गांव में ऐसे लोग जो चुनाव के दौरान समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, इन लोगों को चिन्हित किया जाए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त मैंने चौकीदारों से भी बात की, जो थाने के चौकीदार हैं, उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास किया और उनको निर्देशित किया कि गाँव के अंदर कोई भी गतिविधि हो रही है तो तत्काल अपने पीठ के पुलिसकर्मी या थानाध्यक्ष अथवा किसी भी लेवल पर बताएं, जिससे कि हम इस आने वाले चुनाव को सकुशल संपन्न करा सकें। सर, बिरनों में आरक्षी बैरक की कमी है जी, जो जिस हिसाब से संख्या मिल गई है पहले की अपेक्षा संख्या ज्यादा हो गई, आरक्षी बैरक को क्या करना चाहते हैं? देखिए, उसका निर्माण हो रहा है आरक्षी बैरक का। मैंने उनसे पूछा कि वो बता रहे हैं कि जून तक हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से कंस्ट्रक्शन है मुझे लगता नहीं है जून तक होगा, लेकिन अगले 4 से 6 महीने के अंदर वो पूर्ण हो जाएगा तो ये समस्या का निराकरण हो जाएगा। सर, SP साहब के निर्देशन में तो सर बहुत अच्छा कार्यक्रम चला है, अपराधियों की पकड़ और मुजरिमों की पकड़ गाजीपुर में, सर तो भी कमी रही है क्या? नहीं, कमी नहीं है, हर हर जगह पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहता है।